आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव सलारपुर कला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 22 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 5200 वोट और 14000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती फहमीदा बेगम ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। ग्राम प्रधान फहमीदा बेगम और सचिव अजय कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अब तक अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कराए हैं और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के सलारपुर कला ग्राम पंचायत में, जहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से लॉकडाउन के चलते यहां गरीबों की मदद की गई है और क्या प्रतिक्रियाएं आगे आने वाले समय में उनकी जारी रहेंगी, इस सब के बारे में हम यहां प्रधान जी से बात करके आपको जानकारी लेकर थोड़ा आगे की बात बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसे कि लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को है, अब तक क्या क्या विकास कार्य अपने अपने ग्राम पंचायत में करवा दिए? देखिए, नाले बनवाई गाँव के अंदर, जो सूर्य लाइटें जो है, जो बॉक्स लगवाई, आवास भी मिले हैं हमें, बहुत बता रहे हैं आवास भी मिले करीब 13-14 हमारे पास, जिसमें मैंने 157 गांवों की सूची और अभी आगे और भी, मतलब 157 परिवार अभी और ऐसे हैं जिन्हें जरूरत है। मिशन कार्यक्रम के अंदर स्कूल में क्या क्या काम करवाए? देखिए, बाउंड्री रूट दिख रही है और बाकी जो बाउंड्री यही छोटी होती है वो कराएंगे, पूरी बाउंड्री वोटिंग कर रहे हैं स्कूल की, और बाकी सीसी टेंशन स्कूल के सामने करवाई जो रास्ते उठते थे, और शौचालय बनवाए, चलो 400 शौचालय भी बनवाए गाँव के अंदर। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं गरीबों की, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो मिले हैं, तो आपके ग्राम पंचायत में सभी को मिल पाए? गैस सिलेंडर करवाए, पूरे गैस सिलेंडर भी करवाए हैं, राशन कार्ड पूरे बनवाए हैं, पेंशन वगैरह पेंशनें भी मिल रही हैं, विधवा पेंशन है जिसमें जो 60 साल हैं, जो विकलांग पेंशन है वो भी कराएंगे, और वो भी चालू हुई है, अभी मेरे पास आया था उसकी सूची मिली जिले का से, उन्हें जो आधार कार्ड जो है वो करा के दिए। किसानों के खाते में कितने परसेंट किसानों को जो है यहाँ सम्मान निधि का पैसा मिल पाया? देखिए, जिसके खाते में कुछ दिक्कत आई है ना, तो ये मान लीजिए 80% लोगों के खाते में, 90% लोगों के खाते में मिला है सब मिला है, और जो खाते में किसी के आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब कोई ना कोई अगर डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम रही है तो उन आदमियों के अभी बाकी पेमेंट जो है वो नहीं है, और उसकी भी प्रतिक्रिया चल रही है। जैसे कि यहाँ 70 दिन का जो लॉकडाउन रहा था पूरी तरह से संपूर्ण देश में, उसमें कई लोगों को काफी तरह प्यास को लेकर भी, खाने पीने को, काम काज को लेकर भी, तो आपकी ग्राम पंचायत में भी क्या ऐसे परिवार रहे हैं जिनके आगे इस तरह की कोई परेशानी मतलब सामने आई हो, और अगर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? एक तो सबसे पहली बात यह है, कोई भी आदमी किसी तरह का यहाँ लॉकडाउन में जो है किसी तरह की परेशानी नहीं ले, सभी को राशन भी मिला, और अगर राशन नहीं मिला है तो वैसे भी लोगों की मदद करी, जैसे भी हो रही है जिस हिसाब से भी हो रही है अपने स्तर से मैं मदद भी करी होगी। अब शादियों का दिक्कत पड़ी तो उनमें शादियों में भी मदद करी, मासूस बांटे, मासूस में भी उसकी कराया, और वैसे जो नाले वाले हैं वो साफ सफाई, साफ सफाई भी अपने ज्यादा चलती है। यहाँ साफ सफाई की मतलब जो है क्या स्थिति है, क्योंकि थोड़ा हमने देखा अभी कि कुछ रास्ते ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सफाई कई दिनों से ना हुई हो, तो क्या दिक्कत यहाँ पर ऐसी मैडम? बात क्या है, 21-22 किलोमीटर की रेंज में रोहे गाँव है जी, एक सफाई कर्मचारी जी, एक सफाई कर्मचारी को अगर पूरा दिन में अगर ये कहूँ कि पूरे रास्ते गिन के ला के दे दें तो उसके रास्ते भी नहीं ले रहेंगे मगर इस सफाई कर्मचारी की। अब सफाई कर्मचारी तो उसने ये कह रखा है कि सरकार ने ये कह रखा है कि एक जागरूकता के हिसाब से सफाई कर्मचारी को रखे गया गाँव में, जो कि अपने दरवाजे को अपना आप खुद साफ करें जी। अब उसमें जितना है, कोई जैसे एक आध दिन छुट्टी हो जाती है तो कोई परेशानी आ जाती है, तो उसके लिए थोड़ा पानी समर से भी लोग अटेंड, अगर एक घंटा अगर पानी बंद हो रहे नहीं जो हो तो एक घंटे उसमें दिक्कत आ जाती है जी। तो आपने इसको लेकर कभी मतलब जो है ये कोशिश की है कि सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पर एक और तैनात किया जाए, क्षेत्रफल गाँव का
बहुत ही बड़ा है जी। भैया सबसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने लगाया नहीं था जी, दो सफाई कर्मचारी थे पीछे अभी, वो फिर एक हट गए, फिर डीपीआरओ साहब कह भी रहे थे मुझे पढ़ना, फिर एक सफाई कर्मचारी अभी दे रहे। अच्छा, एक गांव के लिए एक सफाई कर्मचारी, अगर कोई मजरा होता तो मजरे के लिए मिल जाता। मतलब ऐसा होता है कि वक्त जैसे कोई ओकेजन हो या कोई मौका ऐसा लगता है तो क्या आप अपने स्तर पर अपने गाँव के सफाई कर्मचारी का जी अपने स्तर पर यहाँ जी जी, जैसे कोई मेला है कोई त्योहार है तो उस पर सब अपनी सफाई कर्मचारी लगाते हैं। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में जैसे स्कूल के अलावा 12 घर पंचायत घर ये बने हुए हैं जी, 12-3 वो बने हुए हैं आपके आंगनबाड़ी के और एक दो स्कूल बने हुए थे, एक जूनियर एक प्राइमरी जी। नहीं है, शादी होनी नहीं है नहीं। और खेल का मैदान नहीं, खेल का मैदान अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र जी जी वो है, जो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना हुआ है आपके ग्राम पंचायत में उसमें डॉक्टर वगैरह बैठते हैं जी, बैठते हैं रेगुलर जी, दवाइयाँ मिलती हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, अस्पताल होते हुए भी यहाँ से लोगों को कोई दिक्कत नहीं, जैसे जितनी उसकी जी जी जितनी उसकी कैपेसिटी है वहाँ से सुविधा मिल जाती है, डॉक्टर भी टाइम से बैठते हैं, टाइम से मिलती है। अब अपने गाँव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहिए? देखिए वैसे सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, अब देने का तो मामला ये है, पैसे उस अभी सरकार खूब दे रही है और ये तो हमारे हाथ में है सही रखने के लिए, किस तरह से उसको सरकार के ऊपर तो खैर कोई सोमत नहीं है बस नहीं, हम मतलब ये जान चाहते हैं कि किस तरह की कुछ परेशानियां समस्याएं या रुकावटें विकास को लेकर के गाँव में ऐसी आती हैं कि हम सोचते हैं कि यदि सरकार की तरफ से कोई मदद मिले तो सबसे पहले उस रुकावट को हटाया जाए जो गांव को विकासशील होने में आगे आ रही है, तो ऐसी ही कोई समस्या आपके गांव में आपको लगती है? हमारे यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है कि कोई भी किसी तरह की पार्टी लेवल से कोई बात ऐसी करे किसी भी तरह की जी, सरकार पूरी तरीके से मदद भी कर रही है जिसकी जो है वो कर भी नहीं जी। अब जैसे कि अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है पर अनलॉक है, इसको लेकर के और बीमारी खत्म भी नहीं है, बढ़ती ही जा रही है दिन दिन, इसको लेकर के अपने ग्रामवासियों से कुछ कहना चाहेंगे जी? उसके लिए मैंने सब कुछ कहा, आदमियों ने सभी लोगों ने एहतियात भी बढ़ती उस चीज़ के लिए, अपने अपने घर भी रहे, लॉकडाउन में कहीं से निकले भी दो आदमी कहीं से अगर आए तो उन्हें उनकी जाँच भी कराई सब तरीके से, उन्हें जो अस्पताल भी रखे गए, फिर उसके बाद उनका परिवार को भी पूरी तरीके से अपने सेट रखा है, जो देखभाल भी रखी, कोई आदमी जो है और दूसरे से कहीं देख मेरे गाँव में वैसे कोई भी किसी तरह का कोई मर्जी जिस तरह का। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास बीते जो समय में है यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, यहाँ आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, ओडीएफ ग्राम पंचायत हो चुकी है, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण का काम करवाया गया है, इसके साथ ही लॉकडाउन में भी यहाँ गरीबों की हर तरह से संभव मदद ग्राम प्रधान द्वारा मिली है लोगों को। अगर समस्याओं की तरफ यहाँ नजर करें तो कोई ऐसी समस्या यहाँ पर खास जो है नहीं आती है जो कि विकास में रुकावट बन सके, स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ बेहतर है, अच्छा है कि यहाँ पर डॉक्टर और दवाइयाँ सब उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ग्राम पंचायत में या तो स्वास्थ्य केंद्र बने ही नहीं हैं या बने हैं तो वहाँ पर कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है। यहाँ पर एक 12 घर और पंचायत घर को लेकर के जो है मांग रखी गई है और लगभग 157 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। अशरफ अली के साथ मनाज रही हूँ, क्या नाम है आपका? बुंदू खान। बुंदू खान, कहाँ के निवासी हो? यहाँ पे 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान के कार्यकाल को जी, विकास को लेकर के क्या करना चाहोगे? सही विकास हो गया, किस तरह से? सब नाली सड़कें सब पर नहीं हो। आप इनके कार्यकाल से सहमत हो? जी हाँ। खुश हो? हाँ।